जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की आयोजित हुई परीक्षा में सुंदरनगर के सीसे स्कूल महादेव में आयोजित केंद्र में तीन अभ्यर्थियों ने एक युवती पर नकल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सेंटर में मौजूद अध्यापकों पर भी युवती का साथ देने की बात कही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान हॉल नंबर 2 में एक युवती पानी पीने के लिए गई थी। जब वह लौटी तो उसके प्रश्न पत्र में एक कागज रखा हुआ था जिसे युवती बार बार देखकर परीक्षा दे रही थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्होंने युवती से उस कागज को छीना तो उसमें परीक्षा के संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर थे, जिस पर उन्होंने परीक्षा हॉल में मौजूद अध्यापकों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मामले को टालने का प्रयास किया। हंगामा होने पर स्कूल प्रबंधन ने एसडीएम को इस बारे में सूचित किया। मौके पर एसडीएम राहुल चौहान ने पहुंचकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज करवाए, जिसे अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। एसडीएम राहुल चौहान ने बताया कि इस मामले में जो भी आगामी कार्यवाही होगी वह बोर्ड ही करेगा। आज हमारे पास जीओ का एग्जामिनेशन था जो हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा था। तो इसमें जो हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महादेव है, उससे कुछ लोगों ने कंप्लेंट की कि कोई चीटिंग कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आना पड़ा। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज भी चेक की गई है, साथ में इन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए हैं, इनकी स्टेटमेंट्स भी ली गई है, जो कंप्लेनर है उसकी भी स्टेटमेंट ली गई है, और जो लेडी है जिसके विरुद्ध उन्होंने स्टेटमेंट दी है उनकी भी स्टेटमेंट ली गई है, और अलग से मटेरियल जो भी था वो पैक करके कमीशन को भेजा जा रहा है। इसके बाद कमीशन ही डिसाइड करेगा कि इसमें नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा।